दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। अगर कोई घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमारी वीडियो देखकर सीख सकता है कि मशीनरी कैसे चलानी है, उसमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या उसकी क्वालिटी रहेगी और कैसे हमको मार्केटिंग करनी है। यह सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस तरह की नोटबुक बना के दिखाने वाले हैं जो आप मार्केट से बाय करते होंगे। कभी ना कभी आपने यह जरूर खरीदी होगी, इसकी कॉस्ट आपको पता ही होगी। यह सब हम आपको बना के दिखाने वाले हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं इसका पूरा प्रोसेस आज हम आपको बताएंगे। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटबुक बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना होगा। रॉ मटेरियल हमें मार्केट से खरीदना पड़ता है, मगर आपको इसको ऐसे ही खरीदना होगा जिसमें पहले से रोलिंग लाइनिंग की होती है, और इसके साथ में आपको यह गत्ता भी खरीदना पड़ेगा जिसे टाइटल पेज भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि टाइटल पेज पर प्रिंटिंग हुई होती है। हम प्रिंटिंग प्रेस वालों से इसको खरीदते हैं। इसके बाद जो डिज़ाइन बना है, हम इस पे अपनी कंपनी का लोगो भी लिखा सकते हैं। इसके बाद जो स्टिचिंग मशीन है, हम इन पेजेस को और जो इसके ऊपर गत्ता है इसमें पिन करते हैं, इसलिए इस मशीन को स्टिचिंग मशीन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टिचिंग मशीन का यूज़ करके हमने किस तरह से स्टिच किया है। इस मशीन का यूज़ इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप यह पिन नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी फोल्ड नहीं होती है। जो कॉपी होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। नोटबुक मेकिंग की जो दूसरी मशीन है वो है एज स्केलिंग मशीन। इसमें कॉपी के जो एज होते हैं उसको हम स्केयर में चेंज कर देते हैं। इसको स्केयर में चेंज इसलिए करते हैं ताकि हम इसको इजीली ओपन कर सकें, इसलिए हमको इसको स्केयर में कन्वर्ट करना होता है। तो जो हमने कॉपी की स्टिचिंग की है इसके बाद हम इसको एज स्केलिंग मशीन में डालते हैं। हम आपको इसका प्रोसेस बताने वाले हैं। इन नोटबुक को हम एक साथ इस मशीन में डालते हैं। डालने के बाद इसका एज जो है वो स्केयर हो जाएगा, यानी जब जो भी नोटबुक होती है उसको ओपन करने में बहुत आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहले प्रोडक्ट था उसको हमने इस तरीके से स्क्वायर में चेंज कर दिया है। इसका स्क्वायर जो है वो बन चुका है। अब आप इस नोटबुक को इजीली ओपन कर सकते हैं।